Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के बारे में. बेसिकली आपके जब नेट का नोटिफिकेशन आया था तो उसके बाद से हमने वीडियोस को स्टॉप कर दिया था और प्रॉपरली जिस तरह से हमारे वीडियोस आते थे उस तरह से नहीं आ पा रहे थे. बट अब आपकी जो डेट्स हैं वो अभी तक के लिए आपका जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है. तो इसी वजह से अब आपके जो वीडियोस आपके मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे को आते थे तो उसी सीक्वेंस में आप सारी की सारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी. एंड वहीं से जहां से हमने डॉक्यूमेंट्स को छोड़ा था वहीं से हम पूरा इसको कवर करेंगे. ठीक है, तो इससे पहले हम ऑलरेडी 55 पार्ट्स को कवर कर चुके थे तो इसी वजह से ये इसका 56th पार्ट है जहाँ पर हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंड राइटिंग के बारे में. बेसिकली हैंड प्रिंट के बारे में, ये आपका हैंड राइटिंग नहीं है. ठीक है, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करिएगा. हैंड प्रिंट और हैंड राइटिंग में डिफरेंस होता है, क्या होता है हैंड प्रिंट, क्या होता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज़ को यहाँ पर हम समझ लेते हैं. ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो बेसिकली जो हैंड प्रिंट होता है एक तरह से नॉन कर्सिव प्रिंटेड कैपिटल लेटर्स होते हैं. यहीं पर अगर हम बात करें हैंड राइटिंग की, ठीक है, तो हैंड राइटिंग जब भी कोई इंडिविजुअल कुछ लिखता है तो आपने देखा होगा कि जनरली सभी लोग जो रहते हैं कर्सिव राइटिंग लिखते हैं. ठीक है, तो वो जो कर्सिव राइटिंग होती है वो लगभग हर तरह के हर इंडिविजुअल में आपको जनरली देखने को मिलेगी. लेकिन यही जब कर्सिवनेस किसी के राइटिंग में अवेलेबल नहीं होती है, दैट मींस नॉन कर्सिव लेटर्स बने हुए होते हैं, तो वो राइटिंग आपकी हैंड प्रिंट कहलाती है. अब ये हैंड प्रिंट क्यों कहलाता है, क्योंकि इस तरह की जो राइटिंग होती है आपकी जहाँ पर कर्सिवनेस अवेलेबल नहीं होती है उसमें जो लेटर्स बने हुए होते हैं आपके जो आपके प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ हद तक उससे सिमिलैरिटी रखते हैं, तो वो इसी वजह से हम बोलते हैं हैंड प्रिंट. ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका जो जितने भी लेटर्स होते हैं वो पर्टिकुलरली एक बेस लाइन पर बहुत ही परफेक्टली लाई करते हैं, उनके बीच में यूनिफॉर्मिटी अवेलेबल होती है, जो स्पेसिंग होती है वो भी इक्वल रहती है. तो ये सारे कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और इसके क्या क्या होते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. बेसिकली जो आपके हैंड प्रिंट होता है इसमें आपका जनरली जब आप कुछ भी लिखते हैं और वो आपका ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाता है, ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाता है का मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, तो वो चीज़ आपकी एक तरह से हैंड प्रिंट कहलाती है. ठीक है, अब यहाँ पर जनरल केसेस में जो कैपिटल लेटर्स आप लिखते हैं वो आपका हैंड प्रिंट इंक्लूड करा जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी राइटिंग में यूनिफॉर्मिटी प्रॉपरली अवेलेबल है, कर्सिवनेस इनअवेलेबल है और यहाँ पर आपकी जो सारे के सारे लेटर्स हैं परफेक्टली बेस लाइन पर लाई करते हैं तो उस कंडीशन में उसको हम हैंड प्रिंट इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं. लेकिन जब आप ब्लॉक लेटर्स लिखते हैं, सारे लेटर्स कैपिटल लेटर्स में आपके लिखे होते हैं और वहाँ पर कर्सिवनेस अवेलेबल नहीं होती है तो वो आपका जनरली हैंड प्रिंट बोला जाता है. अब यही चीज़ आपकी जो रहती है जो ब्लॉक लेटर्स होते हैं जिसको हम लेटरिंग भी कहते हैं, लेटरिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर आपके सारे के सारे जो लेटर्स होते हैं उनका एनालिसिस करी जाती है, उनमें जब आपके सारे लेटर्स कैपिटल्स होते हैं तो वो बोला जाता है. अब इस तरह की जो राइटिंग होती है जो आपकी हैंड प्रिंट होता है यहाँ पर आपका मैनुस्क्रिप्ट राइटिंग को भी इंक्लूड करते हैं. मैनुस्क्रिप्ट राइटिंग बेसिकली जो आपकी हर एक इंडिविजुअल की जब आप कुछ लिखते हैं तो बेसिकली ही एक तरह का टाइप ऑफ राइटिंग होता है मैनुस्क्रिप्ट राइटिंग. ठीक है, जो आपकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे कि आपको मैंने बताया टाइप राइटिंग होती है, टाइप राइटर से कुछ लिखा हुआ है, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट का कुछ लिखा हुआ है, तो उसी तरह से आपका मैनुस्क्रिप्ट रहता है. ठीक है, तो वो चीज़ हो गई. अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि कई बार कुछ कंडीशंस में आपका ये लोअर केस प्रिंटिंग को भी हम हैंड प्रिंट मानते हैं, कब मानते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. अब यहाँ पर जो लेटरिंग होती है, लेटर्स जो होते हैं इस जनरली रिकॉग्नाइज करे जाते हैं हैंड प्रिंट के जैसे, जहाँ पर एक प्रिसाइज स्टाइल होता है राइटिंग का जो कि जनरली जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, ड्राफ्ट मैन होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं और कमर्शियल आर्टिस्ट होते हैं वो लोग इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ अब तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हैंड प्रिंट क्या होता है. अब ये जो हैंड प्रिंट होता है ये आपकी हैंड राइटिंग से ज़्यादा इंडिविजुअलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर रखते हैं. ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वहाँ पर आपसे पूछ लेंगे या फिर दो सेंटेंसेस दे देंगे जहाँ पर एजर्शन रीज़न या फिर आपको ट्रू और फॉल्स तरह से क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो हैंड प्रिंटिंग रहती है वो हैंड राइटिंग के कंपेरिजन में ज़्यादा इंडिविजुअलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रखता है.
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो लेटर्स का साइज होता है, प्रोपोर्शन होता है, लेटर शेप है, मार्जिन है, स्पेसिंग है, स्पेशल अरेंजमेंट है, प्रेशर का पैटर्न है, लाइन क्वालिटी है, ये सारे के सारे आपके प्रिंटिंग में ज़्यादा देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू राइटिंग, मतलब देखने दोनों में मिलते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअलाइज्ड फीचर्स की बात करें तो वो प्रिंटिंग में कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, आगे मूव करते हैं और यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसके बेसिकली क्या क्या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं हैंड प्रिंट के। तो एक तो हो गया आपका मोनो स्पेस्ड लेटर्स, मतलब कि हर एक लेटर में आपका परफेक्टली आपकी एक जो डिस्टेंस होगी वो सब में सेम होगी और एक ही जैसी होगी, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। उसके अलावा यूनिफॉर्म हाइट एंड विड्थ, यानी कि जो लेटर बना है, मान लीजिए ये कुछ लेटर बना है, इसके बाद में दूसरा बना है, तो अब इनमें क्या है कि जो आपके लेटर्स की जो हाइट है यानी कि जो ये चीज़ है और विड्थ है यानी कि जो ये चीज़ है, ये चीज़ लगभग हर लेटर में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म बेस लाइन, मतलब कि वही मैंने बताया कि आपकी जो बेस लाइन होती है उस पर जब सारे लेटर्स कुछ भी लिखे जाते हैं तो इसमें जो रहता है सारे के सारे लेटर्स परफेक्टली इस पर्टिकुलर बेस लाइन पर लाई करते हैं, तो वो चीज़ हो गई आपकी यूनिफॉर्म बेस लाइन। नेक्स्ट है आपका सिरिफ। सिरिफ क्या होता है, जैसे कि कुछ आपके लेटर्स होते हैं, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके अगर बताऊँ कि मान लीजिए ये एफ लिखा हुआ है, तो अब कई बार बहुत सारे लोग जब किसी भी लेटर को थोड़ा सा एम्बेलिश करने की कोशिश करते हैं और वो जो एम्बेलिशमेंट होता है थोड़ा बहुत प्रिंटिंग के जैसे, यानी कि जो आपके फॉन्ट अवेलेबल होते हैं अभी कंप्यूटर में कुछ हद तक उसके जैसे होते हैं, तो उस कंडीशन में लोग बनाते हैं। अब ये होता कैसे है कि जैसे कि ये आपका एफ का एंडिंग है पोर्शन, अब इस पोजिशन पर कुछ इस तरह से आपका जो एडिशनल लाइंस बना दी जाती हैं, तो ये जो एडिशनल लाइन बनती हैं इसी को हम बोलते हैं सेरिफ। अब ये चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इसको हमने सीधा कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये जो आपका लास्ट में जो आपका एंडिंग स्ट्रोक होता है वहाँ पर आप एडिशनल लाइंस बना देते हैं, वो आपका सेरिफ कहलाता है। जैसे कि ए में आप इस पोजीशन पर देख सकते हैं, ठीक है, तो ये जो आप बनाते हैं ये चीज़ जो होती है ये आपकी सेरिफ कहलाती है। इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा इमेज से देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये इमेज में आप देखें तो यहाँ पर ये वाला दोनों जगह और ये वाला पोजीशंस जो हैं ये सारी आपकी सेरिफ कहलाती हैं। तो ये बेसिकली एक्स्ट्रा टेल होती हैं हर एक कैरेक्टर की, ज़रूरी नहीं है सब में अवेलेबल ही हो, जहाँ जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है वहाँ वहाँ पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्मॉल लाइन या फिर स्ट्रोक्स होते हैं जो कि रेगुलरली अटैच होते हैं किसी भी लेटर के एंडिंग पोर्शन पर, जो भी आपका लार्जर स्ट्रोक होता है उसके एंडिंग पोर्शन पर, और यहाँ पर ये आपका बेसिकली पर्टिकुलर फॉन्ट होता है एक तरह का, या फिर फैमिली ऑफ फॉन्ट कह सकते हैं, जो कि आपका सेरिफ है। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं सेरिफ क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी जो हैंड प्रिंटिंग होती है तो वहाँ पर जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, और उस पर्टिकुलर जो उनका क्लासिफिकेशन होता है उसी के बेस पर यहाँ पर इन लेटर्स का एग्जामिनेशन भी किया जाता है। ठीक है, तो अब ये किस तरह से होता है इन चीज़ों को समझ लेते हैं। सो बेसिकली जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, तो अगर हम बात करें कर्सिव राइटिंग में अ लेटर में यूज टू और थ्री डिफरेंट डिज़ाइंस फॉर ईच लेटर डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द लेटर इन अ वर्ड। सो जब भी हम कर्सिव राइटिंग लिखते हैं तो जनरली कोई भी अगर एक इंडिविजुअल की बात करें, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है एक्स, ये एक्स जो है ये किसी भी तरह से ए को बनाता है, तो अब ए को बनाने के इसके अलग अलग दो से तीन डिज़ाइंस वो यूज़ करेगा, वो डिपेंड करेगा कि किस लोकेशन पर बन रहा है, यानी कि किसी भी लेटर के स्टार्टिंग में बन रहा है, किसी भी लेटर के एंड में बन रहा है, किसी भी लेटर के बीच में बन रहा है, मतलब सॉरी किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में, किसी भी वर्ड के एंड में, या किसी भी वर्ड के बीच में बन रहा है। तो ये अलग अलग लोकेशंस पर डिपेंड करेगा कि कोई भी इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर लेटर को किस डिज़ाइन से बनाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, कोई भी जो राइटर होता है, जो भी लिखता है कुछ भी, तो उसके जनरली कोई लिखेगा तो उसमें जो भी लेटर होगा वो उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी जब कोई इंडिविजुअल एक ही लेटर को एक से ज़्यादा बार लिखेगा, तो वहाँ पर आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। वो क्यों मिलेगी, क्योंकि हर एक राइटर की कैपेबिलिटी होती है कि वो उसके पर्टिकुलर माइंड में एक ही लेटर की डिज़ाइन रहती है और वो जनरली उसी को बनाता है क्योंकि उसी को बनाने में वो फ्लुएंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है राइटर स्टिक्स टू वन लेटर डिज़ाइन फॉर ईच लेटर,
मतलब एक लेटर डिज़ाइन पर डिपेंडेंट होता है, उससे स्टिक रहता है हर एक लेटर के लिए, ठीक है। उसके अलावा मोस्ट हैंड प्रिंटेड लेटर्स जो होते हैं वो प्लेन लेटर्स होते हैं एंड मेड विदाउट सेरिफ और एम्बलिशमेंट्स। जो जनरली आप लोग लिखते हैं तो मैक्सिमम टाइम्स उसमें सेरिफ्स और एम्बलिशमेंट अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें आपको कई बार नज़र भी आती हैं, ठीक है। सो इतना हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ये जो कैपिटल लेटर्स होते हैं इसको बेसिकली किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो जो कैपिटल लेटर्स होते हैं इनको उनके कंस्ट्रक्शन के बेस पर हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से पहला होता है ऐसे लेटर्स जहाँ पर स्ट्रेट लाइंस यूज़ करी जाती हैं जो कि हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली यूज़ होती हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर बात करें ई एफ एच आई एल टी, इसमें अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें सारे लेटर्स या तो आपके वर्टिकल हैं सारे या फिर आपके हॉरिजॉन्टल हैं, तो ये जो चीज़ रहती है ये एक आपका ग्रुप हो गया। सेकेंड ग्रुप की बात करें तो आपके जो लेटर्स होते हैं उसमें जो स्ट्रेट लाइन यूज़ करी जाती है वो किसी ना किसी एंगल पे अगर उसमें बेंडिंग अवेलेबल है तो वो वाले आपके सेकेंड ग्रुप में आते हैं। यहाँ पर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस इंक्लूडिंग डायगोनल लाइंस भी अवेलेबल होती हैं जो इस पर्टिकुलर ग्रुप को क्लासिफाई करती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए के एम एन वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पर वर्टिकल लाइन अवेलेबल है कुछ लेटर्स में, आपकी हॉरिजॉन्टल भी अवेलेबल है, लेकिन साथ साथ में हर लेटर में डायगोनल लाइन ज़रूर से अवेलेबल है। जैसे कि आप ए में देखें तो ए में आपकी दो डायगोनल लाइंस है, एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, के में आपकी दो डायगोनल लाइन है, एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसी तरह से इस तरह के जो लेटर्स होते हैं इनको आपका एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया जाता है। लास्ट ग्रुप है आपका जो इनमें से किसी भी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में क्लासिफाई नहीं हो पाते हैं और उनके जो लेटर्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कर्विंग देखने को मिलती है, तो वो आपका थर्ड ग्रुप यानी कि लास्ट वाले ग्रुप में क्लासिफाई कर दिए जाते हैं। यहाँ पर अगर एग्जांपल आप देखें बी सी डी जी जे ओ पी क्यू आर एस एंड यू, तो यहाँ पर सारे लेटर्स में आप देख रहे हैं हर एक लेटर में थोड़ी बहुत कर्विंग ज़रूर से अवेलेबल है। तो ये आपका इस तरह से सारे के सारे लेटर्स से कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो अब इसके अगर हम कुछ कंपैरिजन की बात करें, इसके जो आपका एग्जामिनेशन होता है उसकी बात करें, तो जो सिमिलर लेटर्स होते हैं उनका भी एक ग्रुप रहता है और उनमें जो हैंड प्रिंटिंग और जो कर्सिव राइटिंग होती है उनमें कंपैरिजन किया जाता है। अब यहाँ पर आपके एग्जांपल के तौर पर आप देखें तो बी और डी जो है काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। जब आप इसमें हैंड प्रिंटिंग किसी से करवाते हैं और कर्सिव राइटिंग किसी से लिखवाते हैं तो उसमें आप एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी थोड़ी बहुत मिल जाती है। उसी तरह से पी और आर ऐसे लेटर्स हैं जहाँ पर सिमिलर लेटर फॉर्म्स रहते हैं, मतलब सिमिलैरिटी रहती है, थोड़ा बहुत आप चेंज करेंगे तो वो आपका अलग लेटर बन जाता है, ठीक है। उसी तरह से ई एंड एफ और ओ एंड क्यू भी है, तो ये जो ग्रुप्स हैं आपके ये सिमिलर लेटर फॉर्म्स के ग्रुप हैं, ठीक है। मतलब बी और डी में सिमिलैरिटी है, पी आर में सिमिलैरिटी है, इसी तरह से बाकी ये दोनों में भी सिमिलैरिटी है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, यहाँ पर कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं हर एक लेटर के। सो बेसिकली आप जब किसी भी तरह के राइटिंग को एग्जामिन करते हैं तो फीचर्स क्या क्या देखने होते हैं वो ऑलरेडी हम बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो हैंड राइटिंग का एग्जामिनेशन होता है उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम एग्जामिन करते हैं, उसको बेसिकली चार कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं, वो पूरा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है एक तरह से कह सकते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट राइटिंग के एग्जामिनेशन के पर्पस से। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वीडियो है यहाँ पर हर एक लेटर के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं उसको आपको किस तरह से एग्जामिन करना होता है, किस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है तो वो हम समझ रहे हैं। तो आप इसको एक तरह से प्रैक्टिकल वीडियो की तरह से मान सकते हैं कि ये हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, कुछ पीपल जो होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं लेटर्स को जब बनाते हैं तो एक ही कंटिन्यूअस स्ट्रोक में बना लेते हैं, मतलब कि ए बनाना है एक स्ट्रोक में बन गया। कुछ लोग बनाएंगे एक ऐसे बनाएंगे, एक ऐसे बनाएंगे, एक ऐसे बनाएंगे लाइंस, ये तीन स्ट्रोक में बना। दो स्ट्रोक में कैसे बनेगा, ये एक स्ट्रोक हो गया, ये दूसरा स्ट्रोक हो गया, यहीं पर ये हो गया। कैसे हुआ ये, मतलब कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया फिर रिट्रेस किया, इसको नीचे लाए फिर इस तरह से करा, या फिर ऐसे लाया ऊपर लाए और फिर
इस तरह से किया, ठीक है। तो ये आपका सिंगल स्ट्रोक है, ये भी आपका सिंगल स्ट्रोक है, ये भी सिंगल स्ट्रोक है, ये भी सिंगल स्ट्रोक है। यहाँ पर आपने 3 स्ट्रोक में बनाया, यहाँ पर आपने 2 स्ट्रोक में बनाया। तो ये भी हर एक इंडिविजुअल का खुद का एक पैटर्न होता है किसी चीज़ को करने का, किसी भी काम को करने का, किसी भी राइटिंग को कुछ भी लिखने का। तो ये भी एक तरह का आपका हर एक इंडिविजुअल का इंडिविजुअलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जब हम राइटिंग को एग्जामिन करते हैं तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना चाहिए जब आप उसको एग्जामिन करेंगे। तो ये सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपको कई बार नेकेड आई से दिख जाते हैं, नहीं तो आप मैग्नीफाइंग लेंस का यूज़ कर सकते हैं, वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है माइक्रोस्कोप के अंडर भी रख के इसको देख सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया कि कुछ लोग 1 स्ट्रोक में बना लेते हैं, कुछ लोग 1, 2 या 3, डिपेंड करता है किस तरह का लेटर है, तो वो अलग अलग तरह के स्ट्रोक्स को उसमें बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें जो आपके ई एम और डब्लू होते हैं, ये जनरली आपके 1 ही स्ट्रोक में बनाए जाते हैं और कुछ लोग इसको 4 सेपरेट स्ट्रोक में बनाते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल किस तरह से बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह से जो ए और एच है उसको हम 1 स्ट्रोक में भी बना सकते हैं या फिर हम उसको 3 स्ट्रोक में भी बना सकते हैं। के और आर को 1 में भी बना सकते हैं, 3 में भी बना सकते हैं, मतलब 1 से लेकर 3 स्ट्रोक के बीच में हम कितने भी स्ट्रोक्स यूज़ कर सकते हैं। वो हर एक इंडिविजुअल का जो लिखने का पैटर्न होता है वो उस पर डिपेंड करता है, तो वो उसका इंडिविजुअलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है। इसी तरह से कुछ राइटर जो होते हैं सिंगल स्ट्रोक में बनाते, जैसे मैंने बताया, और वहाँ पर कुछ लोग सेरिफ्स को ऐड करते हैं टॉप और बॉटम ऑफ द लेटर में, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डिज़ाइन किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा एम्बेलिशमेंट करा जाने वाला लेटर होता है वो आपका ई रहता है, और सबसे ज़्यादा एम्बेलिशमेंट आपको जनरली जो सिग्नेचर होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के उनमें देखने को मिलता है। और ये भी आपका जो सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर होता है वहाँ पर, या फिर सिग्नेचर का सेकेंड, या फिर जो सिग्नेचर का लास्ट लेटर होता है वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा एम्बेलिशमेंट देखने को मिलता है। तो वहाँ पर आपको बहुत फोकस से हर एक स्ट्रोक को प्रॉपरली एग्जामिन करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर जो रहता है प्लेसमेंट होता है बार का अक्रॉस द लेटर विल डिफर विद द वेरियस राइटर। अब यहाँ पर जैसे कि ये आपका वर्टिकल लाइन है, इस पर आपकी 3 हॉरिजॉन्टल लाइन जाती हैं, तो ये जो आपकी 3 हॉरिजॉन्टल लाइन जाती हैं इनको बनाने का जो पैटर्न होता है, इनको बनाने का जो डिज़ाइन होता है वो भी हर एक राइटर का अपना इंडिविजुअल होता है, तो इसको भी आपको प्रॉपरली एग्जामिन करना चाहिए। अब कुछ लोग ये वाला जो रहता है बहुत शॉर्ट बनाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल इक्वल बनाते हैं, कुछ लोग इतना बनाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हर एक इंडिविजुअल के अपना उनकी इंडिविजुअलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, यहाँ पर अब हम रिट्रेस्ड स्ट्रोक की बात करें। जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको ए बताया था कि ए यहाँ से, फिर हमने इसको रिट्रेस किया, फिर हमने ऐसे किया और फिर हमने ऐसे किया, तो यहाँ पर रिट्रेसिंग हुई, एक तो इस पोजीशन पर और एक इस पोजीशन पर। यहाँ पर हमने एक ही जगह पर पेन को 2 बार चलाया है बिना पेन को उठाए हुए। दूसरी बात, जब हम बी बनाते हैं तो बी में हमने नीचे गए, फिर हम ऊपर जाते हैं और फिर ऐसे करते हैं, तो यहाँ पर ये जो आपका रहता है यहाँ पर हम रिट्रेसिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका, जैसे कि हम स्मॉल एम बनाते हैं तो यहाँ पे हमने एक बार रिट्रेसिंग करी, फिर हमने यहाँ पर फिर से दूसरी बार रिट्रेसिंग करी, एक रिट्रेसिंग यहाँ पर हुई, एक रिट्रेसिंग यहाँ पर हुई, मतलब एक ही लाइन को खींचने के बाद में हम फिर से उसी लाइन पर दोहराते हैं, तो वो आपका रिट्रेस्ड स्ट्रोक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, कई बार क्या रहता है कि जो आपके एंगल्स होते हैं वहाँ पर टिक्स अवेलेबल होते हैं। टिक्स क्या होते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ जब हमने पूरा सिग्नेचर का एग्जामिनेशन पढ़ा था कि सिग्नेचर का एग्जामिनेशन किस तरह से करते हैं और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाया था प्रैक्टिकली भी, और हर एक टर्म की आपको मैंने डेफिनेशन भी दी थी, तो उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा कि टिक क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कर्व्ड स्ट्रोक्स की, तो कर्व्ड स्ट्रोक्स जो होते हैं आपके वेवी भी हो सकते हैं, यानी कि आपके थोड़े बहुत परफेक्टली नहीं हो सकते हैं, मतलब वेवी होंगे हल्का सा, या फिर हुक्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका बी है, एच है, के एम एन पी और आर, इन सब में आपका कर्व्ड स्ट्रोक देखने को मिलता है। जैसे कि बी में तो ये वाले तो कर्विंग आप देख ही सकते हैं। एच की बात करें तो जब एच आप स्मॉल लिखते हैं तो ये आपका कर्व होता है, ठीक है। इसी तरह से एम जब आप लिखते हैं तो ये आपके कर्व होते हैं। तो ये जो कर्व्ड पैटर्न्स होते हैं, जो कर्व्ड स्ट्रोक्स होते हैं, इसमें भी आपको चेक करना होता है कि परफेक्टली कर्विंग है या नहीं है, वेवीनेस है, हुक्ड है, या किस तरह का पैटर्न है, तो ये चीज़ भी आपको देखनी होती है। उसके अलावा कुछ जो लेटर्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग में आपको स्मॉल लूप देखने को मिलता है, और ये बहुत माइन्यूट सा लूप होता है, और इस लूप को हम बोलते हैं आईलेट,
ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, सी ई एंड जी, सी की अगर हम बात करें तो सी आपका जनरली कोई इसमें नॉर्मल ऐसे बनाया जाता है, किसी तरह का इसमें कोई भी आईलेट या स्मॉल लूप अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग जब लिखते हैं तो वो जानबूझ के नहीं, वो आपका फ्लुएंटली बन ही जाता है, जो आपका स्टार्टिंग पोजीशन होता है यहाँ पर या फिर आपका एंडिंग पोजीशन यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है। ई की बात करें तो ई का तो आपका नॉर्मल, आप सभी जब लोग कुछ लिखते हैं तो यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में छोटा सा बनता ही है। जी की बात करें तो जी का जनरली बड़ा लूप बनता है, लेकिन ऊपर साइड भी और नीचे साइड भी, लेकिन कई बार इसमें ऊपर का तो बड़ा बनता है लेकिन जो ये वाला रहता है ये बहुत छोटा सा बनता है, तो वो चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। तो कुछ लेटर्स में आईलेट अवेलेबल होता भी है और नहीं भी होता है, तो ये चीज़ जब आप किसी की राइटिंग को एग्जामिन करते हैं तब आपको समझ में आता है कि वहाँ पर आईलेट है या नहीं है। अब ये आईलेट मैंने और डिटेल में आपको समझाया है सिग्नेचर वाले एग्जामिनेशन में, जो आपका वीडियो आया था, तो आपने अगर देख रखा है तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर से सर्च कर लीजिएगा, आपको YouTube पे ही सर्च करना होगा सिग्नेचर एग्जामिनेशन बाय साबी फोरेंसिक्स, आपको आराम से वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो लास्ट है आपका द लेटर्स एच के एम यू एन वी एंड डब्ल्यू, इसमें कई बार आपका जो स्टार्टिंग होती है वहाँ पर आपको आईलेट देखने को मिलती है, तो ये भी आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ इन लेटर्स में आपका आईलेट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे मूव करें तो अब हम बात कर लेते हैं लोअर केस लेटर्स की, जो आपके लोअर केस लेटर्स होते हैं, जो आप स्मॉल लेटर्स होते हैं उनकी। सो बेसिकली जो लोअर केस लेटर्स होते हैं इसमें आपको मोर वेराइटीज़ देखने को मिलती है देन हैंड प्रिंटेड कैपिटल लेटर्स। जो हैंड प्रिंटेड कैपिटल लेटर्स होते हैं उसमें उतने ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं दिखती हैं, लेकिन लोअर केस में आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर कुछ राइटर्स क्या करते हैं, जो अपर केस के लेटर्स होते हैं या फिर जो कर्सिव फॉर्म के लेटर्स होते हैं उनको वो लोग लोअर केस लेटर्स के साथ में मिक्स कर देते हैं, तो ये भी हर एक इंडिविजुअल का मिक्सिंग का अपना अलग अलग पैटर्न होता है, उनकी अलग अलग इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो किसी भी स्पेसिफिक लोअर केस को रिप्लेस करने का आपका जो पैटर्न रहता है कि किसी भी कैपिटल को आप किस से आप रिप्लेस करेंगे, तो ये भी यहाँ पर कंसिस्टेंट होता है, हर एक इंडिविजुअल का अपना यूनिक होता है। अब यहाँ पर जैसे कुछ लेटर्स हैं, जैसे कि आपका जो ए रहता है इसको जनरली जब सब्स्टिट्यूट करते हैं आप लोअर केस के साथ में, तो ये फ्रीक्वेंटली आपका एक कर्सिव लेटर में चेंज हो जाता है। मतलब जनरली जो लोगों की हैबिट होती है तो वो आप प्रिंटिंग ही लिख रहे होंगे, आप नॉर्मल लेटर्स को ही लिख रहे होंगे, लेकिन वो आपका जब आप उसको कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं तो आपका फ्रीक्वेंटली वो एक कर्सिव जैसा बन जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट है ई, जो ई होता है जब इसको आप रिप्लेस करेंगे लोअर केस के साथ में, तो ये जनरली आपका प्रिंटिंग फॉर्म के जैसे बन जाता है, जो हैंड प्रिंटेड लेटर्स होते हैं उनके जैसे। उसके अलावा जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है किसी भी लेटर का, बहुत सारे लेटर्स का, वो उसमें आइडेंटिफिकेशन फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो उनकी राइटिंग हैबिट्स होती हैं, उनके हैबिचुअल होते हैं, ठीक है। तो जब इतना क्लोज एग्जामिनेशन करते हैं आप किसी भी लेटर का, तो आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी जो राइटिंग है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की है या नहीं है, उसे फोर्जरी की गई है या नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने कैपिटल को क्लासिफाई किया था, वैसे ही हम लोअर केस लेटर्स को भी क्लासिफाई करेंगे, लेकिन इनको क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं। पहला तो है कंस्ट्रक्शन के बेस पर, कंस्ट्रक्शन के बेस पर जो आपके सर्कल लेटर्स होते हैं या फिर जो कर्व्ड लेटर्स होते हैं या फिर जो हम्प्ड लेटर्स होते हैं, तो इनको समझ लेते हैं। सर्कल लेटर्स का मतलब है जहाँ पर आपका परफेक्ट सर्कल आपको नज़र आएगा, जैसे कि ए डी जी एंड ओ, यहाँ पर परफेक्ट सर्कल है तो ये सर्कल लेटर्स हैं। कर्व्ड मतलब कि जहाँ पर हल्का सा कर्वनेस अवेलेबल है, जैसे कि सी ई एस यू, और कई बार ये डब्ल्यू में भी कर्वीनेस देखने को मिलती है, जैसे कि डब्ल्यू जब आप ऐसे बनाते हैं तो ये आपका कर्वनेस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया कर्व्ड लेटर्स। अब यहाँ पर हम बात करें हम्प्ड लेटर्स की, तो हम्प्ड लेटर्स जैसे कि एच एम एन और आर, एच में ये हम्प है, एम में ये हम्प है, एन में ये हम्प है और आर में ये हम्प है, ठीक है। तो इस तरह से आपका लेटर्स का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम बात करें तो जो आपके लेटर्स होते हैं वो किस जोन में बन रहे हैं, तो उसके बेस पर उनका क्लासिफिकेशन होता है अपर जोन, मिडल जोन, लोअर जोन। अब ये जोन क्या होते हैं ये बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाया है वहाँ पर ही मैंने आपको कई बार बताया है, और इस वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एक और बात बताना चाहूँगी,
जो मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ उसको ज़रूर से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो एक तरह से जो हैंड राइटिंग रहता है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट रहता है, उसका जो एग्जामिनेशन होता है, उसकी एक तरह से मैं ग्लॉसरी को कंप्लीट करवा रही हूँ। और वहाँ पर सिर्फ मैं ऐसे टर्म्स को इंक्लूड कर रही हूँ जो आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। जो कॉमन टर्म्स होते हैं वो मैं वहाँ पर आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो वो जो वीडियो सीरीज आपकी चल रही है शॉर्ट वीडियोज वाइज, उसको ज़रूर से देखिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लोअर केस लेटर्स जो कि अपर जोन में रहते हैं। तो अपर जोन का मतलब है कि जो लेटर्स आपके अपर जोन में जाते हैं, ये आपके लेटर्स का मतलब ये आपका जोन है। तो जब आप कुछ भी लिखते हैं, ये आपका लोअर जोन में आपने बी को बनाया और इसका जो ऊपर का एसेंडर वाला पार्ट रहता है वो आपका अपर जोन तक जाता है। ऐसे ही डी जब आप बनाएंगे तो उसका भी आपका अपर जोन तक जाता है। एच का बनाएंगे तो वो भी वैसे ही, एल और टी में भी वैसा ही रहेगा, के में भी वैसा ही है। तो ये सारे लेटर्स आपके अपर जोन लेटर्स कहलाते हैं। मिडल जोन की बात करें तो ऐसे लेटर्स जो एक ही आपके, जिसमें किसी भी तरह कोई भी एक्सटेंडर्स अवेलेबल नहीं होता, यानी कि ना तो एसेंडर होगा ना तो डिसेंडर होगा, वो एक ही लाइन के अंदर सारे के सारे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एंड एक्स, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें लोअर जोन लेटर्स की, तो जिनमें डिसेंडर्स अवेलेबल होगा, सिंपल सा क्लासिफिकेशन हो गया, अपर जोन जिसमें असेंडर्स अवेलेबल हो, लोअर जोन जिसमें डिसेंडर्स अवेलेबल हो, मिडिल जोन जिसमें ना तो असेंडर हो ना तो डिसेंडर्स हो, तो वो आपके मिडिल जोन हो गया, ठीक है। लोअर जोन के एग्जाम्पल में क्या आ गया, जी पी क्यू एंड वाई, ठीक है, इतना हो गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें लेटर वाई की, तो लेटर वाई को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब कैसे होते हैं, कुछ लोग जो वाई का अपर पोर्शन रहता है उसको हल्का सा राउंडेड बनाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल स्ट्रेट बनाते हैं। अब यहाँ पर वाई का जो बेस की बात करें, यानी कि जो वाई का टेल है, उसमें कई बार यहाँ पर मैंने जैसे लूप बनाया, कुछ लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ लोग जो लूप बनाएंगे तो वो बहुत पतला सा लूप होगा, कुछ लोग जब लूप बनाएंगे तो वो ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जैसे कि यहाँ पर आपका एक तरह का हुक बन गया। तो ये आपके वाई को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप किसी भी राइटिंग को एग्जामिन करते हैं वहाँ पर आपको समझना होता है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी जो मैंने आपको बताई हैं, आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे मूव करते हैं, प्लेसमेंट ऑफ टी बार की बात करें, तो बार क्या होते हैं वो मैं भी आपको बता चुकी हूँ जो मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था, तो उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा। जैसे कि ये टी है, तो ये जो आपका लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टली जा रही है, ये इसका बार है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहता है कि कुछ लोग जब टी में क्रॉस बनाते हैं तो वो परफेक्टली आपका जिस तरह से ये बना है ऐसे है, कुछ लोग बहुत ज़रा सा बनाएंगे, कुछ लोगों का बाहर निकल जाएगा, कुछ लोगों का बिल्कुल बनेगा ही नहीं, बीच में ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये सबके अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ लोगों के डेविएट नहीं करते हैं, परफेक्ट अपने लोकेशन पर ही होंगे। कई बार जो टी का स्टार्टिंग मतलब ऊपर पोजीशन होता है यहाँ पर बन जाएगा, कुछ का गायब होगा मतलब होगा ही नहीं, जैसे कि आपका ये बना, अब यहाँ पर आपने बनाया तो है पर राइट चला गया या लेफ्ट चला गया, बिल्कुल ही गायब रह गया, ठीक है। तो ये उनके प्लेसमेंट ऑफ टी बार भी आपको चेक करना होता है। आई डॉट की बात करें तो आई डॉट को बनाने के भी आपके अलग अलग रहता है कि किस तरह से आपने बनाया है। कई बार बिल्कुल परफेक्ट डॉट है, कई बार सर्कल है, कई बार परफेक्ट सर्कल है, कई बार ओवल जैसा बन गया, कई बार आपने साइड में रख दिया, कई बार आपने इधर साइड में रख दिया, कई बार आपने इसको ऐसे टिक जैसा बना दिया। तो वो आपके सबके अलग अलग रहते हैं। अब कौन कौन से पॉसिबल आपके रह सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मोस्टली चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ करके समझा दी हैं, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में यहाँ तक आया होगा, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर जो आपके हम्प्ड लेटर्स होते हैं जैसे कि एच एन एम, इनको कंपेयर किया जाता है, जैसे मैंने आपको कैपिटल लेटर्स में सिमिलर लेटर्स बताए थे, तो वैसे ही जो हम्प्ड लेटर्स होते हैं एच एन और एम, ये आपके सिमिलर लेटर्स रहते हैं जिनको आपस में कंपेयर किया जाता है। यहाँ पर जो हम्प रहता है ये इनका फ्लैट भी हो सकता है, यहाँ पर मिस हो गया है, ये फ्लैट भी हो सकता है, ये राउंड भी हो सकता है, ये पॉइंटेड भी हो सकता है। पॉइंटेड जैसे फ्लैट कैसे, ठीक है, पॉइंटेड कैसे, इसको आप एम में भी समझ सकते हैं, ठीक है, और आपका राउंड कैसे, परफेक्ट राउंड। तो ये आपके अलग अलग तरह के बन सकते हैं किसी भी लेटर में जो हम्प्ड लेटर्स होते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर जो लोअर केस बी और डी रहते हैं इसमें भी सिमिलर कंस्ट्रक्शन होता है, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आप इनको भी कंपेयर कर लेंगे,
ठीक है। तो यहाँ तक जितने भी हैंड प्रिंटिंग के आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं मैंने आपको समझा दी हैं। और यहाँ पर हाँ, एक चीज़ और रह गई छोटी सी है। सो बेसिकली जितना हमने पढ़ा है उसकी समरी है यहाँ पर कि जब हम हैंड प्रिंटिंग का एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके क्या क्या आइडेंटिफिकेशन फीचर्स को हमको देखना होता है। तो कोई भी लेटर है उसके साइज़ में क्या डिफरेंस आ रहा है एक पर्टिकुलर वर्ड के अंदर ही। राइटर्स जो अलग अलग अपर केस लेटर्स को यूज़ कर रहे हैं तो उनके बनाने का क्या तरीका है फर्स्ट लेटर को और लास्ट लेटर को, क्योंकि कई बार कहते हैं आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तो स्टार्टिंग का लेटर बहुत बड़ा बन जाता है, फिर धीरे धीरे छोटा 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 इस तरह से होता हुआ चला जाता है। नहीं तो कुछ लोग क्या करेंगे, पहले तो छोटा लिखेंगे फिर और बड़ा फिर और बड़ा फिर और बड़ा, तो इस तरह से आपका रहता है। और कुछ लोग लिखेंगे तो आपका बिल्कुल छोटा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा और बड़ा हुआ, अब छोटा होना स्टार्ट हुआ। तो ये सारे चीज़ें भी आपको चेक करनी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने कैपिटल्स में बताया ऐसे ही आपका स्मॉल लेटर्स में भी आपको देखना होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, कैपिटल लेटर्स इन प्रॉपर नेम्स आर ऑल्सो इंडिकेटेड बाई मेकिंग दीज लेटर्स टॉलर। जैसे मैंने आपको बताया जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनका स्टार्टिंग लेटर जो रहता है वो जनरली आपका टॉलर होता है इन कंपैरिजन टू अदर लेटर्स, ठीक है। बाकी जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रोक्स हैं उनके लेटर का कंस्ट्रक्शन में कैसा यूज़ है ये चीज़ आपको देखनी होती है। रिट्रेस्ड स्ट्रोक्स हैं और जो स्टिक्स हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं यहाँ पर जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंड प्रिंट वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इतना डिटेल में आपको हर एक चीज़ समझा रही हूँ तो आप उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद में एक वीडियो में अपलोड करूँगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूमरल्स वाला, जहाँ पर जो नंबर्स होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना होता है वहाँ पर हम बात करेंगे। और इतना करने के बाद में मैं आपको एक PDF दूंगी, बेसिकली वो आपका होमवर्क होगा और वो आप लोग करके मुझे बताएंगे। और फिर उसके बाद में हैंड राइटिंग का एग्जामिनेशन किस तरह से करना होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। अब ये किस तरह से होमवर्क रहने वाला है वो मैं जब न्यूमरल्स वाला वीडियो बनाऊंगी तो उस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आपको वहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो आपको अभी नहीं मिलेगा, जब न्यूमरल्स वाला वीडियो आ जाएगा उसके बाद में आपको वो होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी PDF के लिए आप हमारे ब्लॉगर टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर सारी की सारी वेबसाइट आपको PDF अवेलेबल हो जाती हैं। और उसके अलावा फेसबुक और इंस्टा पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर।